हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपको साड़ी पर लेस लगाना बता रही हूँ, जो मैंने अपनी माँ के लिए बनाई है, क्योंकि हम सब नवरात्रि में देवी माँ को तो साड़ी चुनरी अर्पित करते ही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना साथ में अपनी माँ को भी साड़ी भेंट की जाए, आखिर उन्हीं के आशीर्वादों की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो इसी विचार के साथ आज ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, यहाँ मैंने ये एक प्लेन पीस लिया है और इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने तीन तरह की लेस ली है, जिसे हम साथ में अटैच करके एक चौड़ा बॉर्डर बना लेंगे। अब हम सिलाई मशीन पर चलते हैं। तो देखिए, ये साड़ी का उल्टा साइड है जहाँ हम फॉल लगाते हैं, ये बॉटम साइड है नीचे की साइड, और यहाँ मैंने आधा मीटर कपड़े को छोड़ दिया है और उसके बाद ये चौक से निशान लगाया है। ध्यान रहे, मैंने यहाँ आधा मीटर कपड़ा छोड़ दिया है और उसके बाद अब हम यहाँ बॉर्डर लगाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तीन तरह की लेस है, इन तीनों को मैंने जोड़ लिया है। देखिए, एक पाइपिंग है, एक पिंक बॉर्डर है और एक गोटे की लेस है। तो हम यहाँ पर इसे स्टार्टिंग में इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो आधा मीटर कपड़ा छोड़ने के बाद मैंने निशान लगाया है वहाँ पर मैं इस तरह से इसे रखूँगी। तो देखिए, ये साड़ी का जो आधा इंच का बॉर्डर होता है डार्क कलर वाला, इसे मैं छुपाती हुई इस पूरी लेस को यहाँ स्ट्रेट सिलाई करूँगी। आप ये जरूर ध्यान रखें कि मैं यहाँ उल्टी साड़ी पर लेस लगा रही हूँ, बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पूरी सीधी सीधी सिलाई करनी है 5 मीटर तक, क्योंकि आधा मीटर कपड़ा हमने छोड़ दिया है शुरू में। तो देखिए, इस तरह से सिलते हुए मैं पल्ले की साइड आ गई हूँ। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि जो आधा इंच का कपड़ा हमने दबाया है, उतना ही कपड़ा हम यहाँ पल्ले की साइड दबाएंगे। तो इस तरह से मैं चौक से आपको निशान लगाकर बता रही हूँ, यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है। सुई को दबाकर रखना है, उसके बाद हम इस तरह से इसे घुमा लेंगे और देखिए, पल्ले की साइड भी आपको आधा इंच कपड़े को दबाना है और इस तरह से यहाँ भी हम सीधी सीधी सिलाई करेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं कॉर्नर जो मैंने बनाया है वहाँ पर बिल्कुल चौकोर में लेस आई है और लेस थोड़ी खड़ी हुई है, पीछे से भी ये बिल्कुल चौकोर आएगा। तो इस तरह से पल्ले पर सीधी सिलाई करते हुए मैं दूसरे कॉर्नर पर आ रही हूँ और यहाँ मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ। तो इस तरह से आप चौक से निशान लगा लें और बिल्कुल जो इसका कॉर्नर है वहाँ पर ही आपको सुई लगा कर रखनी है और इसके बाद हम साड़ी को घुमा लेंगे। साड़ी को घुमाने के बाद आपको लेस को भी बिल्कुल उसी तरह से घुमाना है कि कॉर्नर पर आपकी जो लेस है वो बिल्कुल ऐसे खड़ी हुई रहेगी, जिससे ये दूसरी साइड बहुत अच्छे से फोल्ड होगी। तो इस तरह से लेस को बिल्कुल चौकोर बनाने के बाद हम यहाँ जो पल्ले की साइड है ये, इसे पूरा 2.5 मीटर तक सीधा हम सिल लेंगे, क्योंकि पल्ला हम ज़्यादातर 2.5 मीटर का लेते हैं। अगर आप ब्लाउज में लेस का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ आप लेस को 2 मीटर तक भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं बिल्कुल सीधी सिलाई करती हुई यहाँ आ गई हूँ और ये देखिए, आपको बस इस कॉर्नर को फोल्ड करना है और यहाँ पक्की सिलाई करके इसे लॉक कर देना है। तो अब हम इसे पलटेंगे और सीधी साइड पर अब हम सिलाई करेंगे। तो मैं पूरी साड़ी को पलट लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमने ख़त्म किया था, अब वापस हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो शुरुआत है इसकी लेस की, यहाँ पर भी एक पिन लगा ली है और इसके नीचे थोड़ी दूर पर भी मैंने एक पिन लगा ली है। तो अगर हमारी शुरुआत सही होगी तो हमारी पूरी साड़ी में लेस सही लगेगी, उसमें झोल नहीं आएगी। तो इसलिए मैं 2 पिन यहाँ शुरू में लगा लेती हूँ और अब हम यहाँ से वापस, ये सीधी साइड है, यहाँ हम इसे अटैच करेंगे। तो देखिए, कॉर्नर पर मैंने इसे डबल सिलाई करके ये पिन को निकाल दिया और यहाँ सीधी सिलाई करनी है। अब हमें कपड़े को एक साइड लेना है पूरा और इसे सीधी सिलाई करके अटैच करना है और पीछे से भी आप देखते जाएं कि कपड़े में झोल नहीं आए। और वहाँ से हम कपड़े को हल्का हल्का इस तरह से खींचते जाते हैं और लेस को लगाते जाते हैं और सीधी साइड में ये लेस बहुत जल्दी लग जाती है। ये देखिए, पीछे की साइड ये बिल्कुल सही आई है, इसमें कोई झोल नहीं आई है। लेस को सीधे सीधे सिल ले, ये कॉर्नर आ गया है। तो देखिए, इसे नीचे तक सिलते हुए हमें इस तरह से इसे प्रेस कर लेना है बिल्कुल। जो बॉर्डर है उसे मैंने तिरछा कर लिया है और अब हम इसे पूरा आगे की साइड इस तरह फोल्ड करेंगे और जो कॉर्नर है उसे आप थोड़ा सा हाथ से खींच लें और ये जो तिरछा बॉर्डर मैंने फोल्ड किया है इसके ऊपर भी आप सिलाई कर दें। तो देखिए, यहाँ एक साइड मैंने सिलाई की और इसे वापस से हम साड़ी को घुमा लेंगे और वापस हम यहाँ आ जाएंगे
और अब पूरी साड़ी को आप घुमाएं और इसके ऊपर हम सीधे सीधे सिलाई करते जाएंगे। ये पल्ले की साइड आई है तो ये जो कॉर्नर है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार होंगे, क्योंकि पूरी साड़ी की फिनिशिंग इस पल्ले पर डिपेंड करती है कि आपके कॉर्नर पर लेस कितने अच्छे से लगी है। तो यहाँ अब मैं दूसरी साइड आ गई हूँ, तो यहाँ भी आप इसको इस तरह से कॉर्नर पर प्रेस कर लें और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो कॉर्नर पर हमेशा आपकी डबल सिलाई आएगी और जब भी हम साड़ी को घुमाएंगे तो सुई को हम वहाँ लगा कर रखेंगे। तो इस तरह से अब हम इसके ऊपर भी सीधी सीधी सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए पीछे की साइड अगर आपका ये सीधा है इसका मतलब झोल नहीं आ रही है, और अगर ये साड़ी का कपड़ा आपका तिरछा तिरछा आ रहा है तो आपकी जो बॉर्डर लग रही है उसमें झोल आएगी। तो आप उसे बिल्कुल ध्यान से देखते जाएं जिससे कि आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़े। और अब हम यहाँ पर सिंपल पूरी 5 मीटर तक सिलते हुए आ गए हैं और यहाँ हम पक्की सिलाई लगाकर इसे पूरा फिनिश कर देते हैं। तो बस आपको छोटी छोटी 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, पल्ले पर कॉर्नर बनाने हैं अच्छे से और साड़ी में लेस लगाते समय कोई झोल नहीं आए इसका ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैं इसमें लेस पूरी लगा चुकी हूँ और साड़ी तैयार हो गई है। तो किसी भी प्लेन पीस को आप इस तरह से बॉर्डर लगाकर डिज़ाइनर बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें नग या स्टोन वगैरह लगाकर इसे और भी हैवी लुक दे सकते हैं। तो देखिए ये जो प्लेन पीस लिया है ये मैंने ओनली 250 रुपीज़ का लिया है, मतलब 250 रुपये का ये प्लेन पीस है, लेकिन इसमें बॉर्डर लगने के बाद ये कितनी ज़्यादा रिच हो गई है। ये देखिए एक पीस मैंने अपने लिए भी तैयार किया है और इसमें मैंने कुल 50 रुपये की लेस लगाई है और ये साड़ी का लुक बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।